हमने एसपी साहब से कहा था कि हमारा 22 साल का नौजवान इनने थोड़े से कई लेने देने के पीछे बहुत बेरहमी से पीटा और मार मार के उसकी हत्या कर दी। एसपी साहब ने कहा मैं अभी जो है डीएसपी साहब को फाइल को मंगाता हूँ और इसको देख के पूरी कार्रवाई करेंगे और मुलजिम जो है सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, जबकि वीडियो सामने आ चुके हैं, चेहरे सामने आ चुके हैं, ये भी पता चल चुका है कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जिन लोगों ने शौकीन की हत्या की। शौकीन एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और जो उनकी घर की स्थिति है यही उसमें एक सबसे उसका साथ बड़ा लड़का है जो घर में एक घर को चला रहा था और उसकी घर की बहुत कमजोर स्थिति है। आप जितनी भी आपसे मदद बन सकती है 100, 200, 500, 1000, क्योंकि आज अगर शौकीन को इंसाफ नहीं मिला तो हो सकता है आने वाले समय में मेवात के और लोगों के साथ भी मेवात की जनता नहीं खड़ी हो पाएगी। इसलिए नहीं खड़ी हो पाएगी क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि हमें भी इंसाफ मिल सकता है। दोस्तों, सिंगार गांव के मृतक शौकीन को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार मेवात के युवा आवाज उठा रहे हैं और हाल फिलहाल में जो मेवात का गांव सिंगार है उसमें नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। फिलहाल आप देखेंगे कि इलाके की जो सरदारी है वो एक बार फिर से जमा हुई यहाँ हो चुकी है और इसलिए कि जो अभी तक आरोपी जो खुलेआम घूम रहे हैं आखिरकार उनकी गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि एक सैकुल नाम का जो फोरमैन है वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी तक जो बाकी आरोपी जो अन्य में हैं 7-8 लोग और हैं वो अभी तक फरार क्यों हैं, क्योंकि कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, जबकि वीडियो सामने आ चुके हैं, चेहरे सामने आ चुके हैं, ये भी पता चल चुका है कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जिन लोगों ने शौकीन की हत्या की। उसके बावजूद पुलिस अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं। आज इन लोगों ने पलवल के जो एसपी साहब हैं उनसे मुलाकात कर पूरा मामला संज्ञान में लाया गया, कहा कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाई जाए, क्योंकि सिंगार गांव ही नहीं बल्कि पूरे मेवात इलाके की जो जनता है वो चाहती है कि जितनी निर्मम तरीका से जितनी बेरहमी के साथ शौकीन की हत्या की गई उससे कड़ी सजा उनके आरोपियों को मिलनी चाहिए। गांव की सभी सरदारी हमारे साथ मौजूद हैं, इलाके के सभी जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के मुखिया भावी सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि गांव के मुखिया आज पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे थे, उनसे बात करेंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि आज इन लोगों ने एसपी से मुलाकात की है। आज आप लोगों ने एसपी साहब से मुलाकात की है, पटवारी साहब आज चौधरी हर गए थे, एसपी साहब से मुलाकात करी है, एसपी ने फाइल मंगवाई है और एसपी कार्रवाई करेगा, कार्रवाई का विश्वास दिया एसपी ने। अच्छा, आप लोगों ने बताया, अच्छा आप वहाँ गए थे? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या बात हुई थी? हमने एसपी साहब से कहा था कि हमारा 22 साल का नौजवान इनने थोड़े से कई लेने देने के पीछे बहुत बेरहमी से पीटा और मार मार के उसकी हत्या कर दी। एसपी साहब ने कहा मैं अभी जो है डीएसपी साहब को फाइल को मंगाता हूं और इसको देख के पूरी कार्रवाई करेंगे और मुलजिम जो है सलाखों के पीछे होंगे, ये हमें आश्वासन दिया और हम आश्वस्त होकर आ गए। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं कहा कि कई दिन हो गए? हाँ, कहा था हत्या हो गई और अभी तक इनकी बाकी जो मुलजिम है वो फरार चल रहे हैं। कहा था जी हमने ये मामला, भाई हमें मुलजिम बहुत जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो और हमारी पूरी 22 या में इकट्ठी हुई और सबने ये हमारी आवाज है कि भाई ये मुलजिम जो है सलाखों के पीछे जाएं, तो हमें आश्वासन दिया एसपी साहब ने कि मैं पूरी कार्रवाई करूंगा, तो भाई अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, प्रशासन के साथ साथ सरकार के नुमाइंदा आपको सुन रहे हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता टाइप के लोग हैं, वो आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या आश्वासन है, क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं जी, देखो ये सबका दुख है, मेवात में आज तक ऐसी हत्या नहीं हुई जो मार मार कर एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। सभी बहुत अफसोस में हैं। देखो हमारे यहाँ कोई स्थानीय विधायक भी नहीं आया, कल आफ्ताब जी आए थे, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि मैं पूरी तरह आपकी इमदाद के लिए तैयार हूँ और हम उसकी बात से आश्वस्त भी हैं, वो हमारी मदद करेंगे और हम पे जैसा कुछ बन पा रहा है हम छोटे बड़े आदमियों से मिल भी रहे हैं इस मामले में, तो कार्रवाई चल रही है और आपके माध्यम से भी आप प्रेस वाले हो और इसमें जो है पूरी तरह आप भी इसको हाईलाइट करो ताकि इनको सजा मिल सके। चलिए, ये इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, इनसे हम लोग बात करते जान रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि यानी कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो बाकी
आगे आने वाले समय में आंदोलन भी होगा, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने बताया नहीं एसपी साहब को कि भैया कितने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? नहीं, हमने एसपी साहब से कहा था कि 8-7 दिन हो गए और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं फाइल मंगाता हूं और डिप्ट साहब को वहीं से अपने उससे मुलाजिम से वहीं इन्फॉर्मेशन कराई थी कि भाई फाइल को लेकर और आप आओ। और हमने आज जो हमें एसपी साहब से मिल का है, अगर हमारी इस पे देखते हैं 1-2 दिन अगर हमारी मांग पूरी होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो हम संतुष्टि से बैठते हैं, नहीं तो हम हमारा जो प्लान है हम चंडीगढ़ तक भी जाएंगे, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे और हरियाणा डीजीपी हरियाणा से मिलेंगे। अच्छा ये बताइए कि शौकीन कैसे परिवार से ताल्लुक रखते थे, कैसी स्थिति है उनके परिवार की? शौकीन एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और जो उनकी घर की स्थिति है यही उसमें एक सबसे उसका साथ बड़ा लड़का है जो घर में एक घर को चला रहा था और उसकी घर की बहुत कमजोर स्थिति है। बहुत कमजोर स्थिति थी, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि ये तो हमारी भारत सरकार का रूल है, ये हमारा नियम है कि अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसकी तूती भी उतनी ज़्यादा ही बोलेगी। अब ऐसे में जरूरत ये है कि आप उनकी आर्थिक मदद भी करिए क्योंकि आप उनका सहयोग तो कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं, लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वैसे मेवातियों का कहना यह है कि हर मेवाती मेवातियों के सुख दुख में साथ देता है, अगर आपको भी शौकीन का साथ देना है, उसको इंसाफ दिलाना है, तो जो भी आर्थिक मदद आपसे बन पाती है, जितना भी पैसा आपसे बन पाता है, तो आप उनकी मदद जरूर करिएगा क्योंकि जितने भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं या फिर समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग आ रहे हैं वो भी आर्थिक तौर पर मदद इन लोगों की कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो गरीब हैं बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने इस केस में मजबूती के साथ लड़ सके। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से मजबूती के साथ सिंगार गाँव के साथ साथ पूरे मेवात इलाके की जनता उनके साथ खड़ी रहे और शौकीन को सही तरीके से इंसाफ मिल सके, तो जरूरत ये है कि आप आगे आएं और मदद करिएगा। उनका फ़ोन नंबर हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे क्योंकि बहुत सारे उनके अकाउंट नंबर, फ़ोन पे नंबर, खाते नंबर सोशल मीडिया पे आए भी हुए हैं। आप जितनी भी आपसे मदद बन सकती है 100, 200, 500, 1000, क्योंकि आज अगर शौकीन को इंसाफ नहीं मिला तो हो सकता है आने वाले समय में मेवात के और लोगों के साथ भी मेवात की जनता नहीं खड़ी हो पाएगी। इसलिए नहीं खड़ी हो पाएगी क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि हमें भी इंसाफ मिल सकता है। और एक बहुत ही दुखदायी खबर अभी चाचा ने ये भी बताई कि स्थानीय विधायक हमारे बीच नहीं आए। आप अंदाजा लगाइए कि जिस विधायक को हम लोग वोट देकर चुनते हैं, जिस प्रतिनिधि को हम इसलिए भेजते हैं कि वो हमारे दुख सुख में साथ देगा, खड़ा रहेगा, अगर वो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इलाके के लोगों के बीच, गाँव के लोगों के बीच में नहीं आएंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। मैं चाहता हूँ विधायक साहब से भी कि वो आए, इनका साथ दें और इनकी मदद भी करें। इसके अलावा प्रशासन के ऊपर जोर देकर भी आप शौकीन को इंसाफ दिलवाने का काम करें। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं मृतक शौकीन के परिवार की, आप अपने कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा।